नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। महाकाल की नगरी उज्जैन में मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पे संगम क्षेत्र में एक विस्फोट हुआ है। वो विस्फोट कैसे हुआ अभी तक रहस्य बना हुआ है, लेकिन विस्फोट के बाद पानी जो है 10 फीट की ऊंचाई तक उछला, रोशनी देखी गई और वहाँ पे हलचल देखी गई है। तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए। ये है क्या चीज़? वीडियो कर रही है? अरे वो यही कर रहा था मैं, अरे एकदम घूमना चालू हुआ नहीं यहाँ। वो एक दो वो झोरों में घूम रहे थे ना, वो तो बच्चे हमारे, तो हमारे साथ थे तो बच्चों। नहीं नहीं, वो वहाँ घूम रहे साइकिल से। ऐसा कैसे हुआ? तुम तो भैया चलेंगे देखेंगे। चले तो हवा लोगों की सीधी आ रहा। नहीं मतलब पानी में क्या है? नहीं मतलब एकदम मतलब अचंभ हो गया यार। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से वो विस्फोट होता है, उसके बाद जो है पानी में उछाल आता है, फिर वो विस्फोट नुमा जो रोशनी निकलती है विस्फोट के बाद, उस तरीके से वो निकली हुई है। अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये विस्फोट क्यों और कैसे हुआ? क्या ये कोई भूगर्भीय हलचल है या कुछ और है? तो इसको लेकर के वहाँ का मध्य प्रदेश का जो PHE डिपार्टमेंट है वो अपनी तरफ से जांच कर रहा है, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसको भी सूचित किया गया है कि वो आ करके देखे। वो टीम वहाँ पे पहुँच रही है कि ये क्यों हुआ। दो संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, टीम पहुँचने वाली है आज। पहली संभावना तो ये व्यक्त की जा रही है कि क्या भूगर्भ में कोई हलचल हुआ। यदि भूगर्भ में हलचल हुआ तो उसकी वजह से हो सकता है, इसकी संभावना कम दिख रही है। दूसरी बात ये आ रही है कि जैसे कि गैस या जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है जमीन के नीचे, वो कई बार रिसाव होता है उसमें, और वो जब हवा के संपर्क में आता है तो भी विस्फोट होता है। तो क्या इसकी संभावना है क्या? जो वहाँ के DM हैं आशीष कुमार सिंह, उनका कहना ये है कि कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। ऐसा लग रहा है जैसे फौरी तौर पे देखने के बाद और विशेषज्ञों से बातचीत करने के बाद, जैसे पानी के अंदर कुछ था जिसकी वजह जो हवा के संपर्क में आया और ये घटना हो गई। तो जब तक जाँच पड़ताल नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। जो स्थानीय लोग हैं वो ये बताते हैं कि ये घटना जो है 2 फरवरी से लगातार हो रही है। अभी हाल में 26 फरवरी को हुई थी और उसके बाद फिर जो है शनिवार को ये घटना हुई। शनिवार के घटना हुई मतलब कि 6 तारीख को, 6 मार्च को, और इसको लेकर के हलचल बढ़ गई। हलचल बढ़ने की एक वजह यह है कि जो 13 मार्च है उस दिन जो है शनिश्चरी अमावस्या है, उस दिन काफ़ी लोग वहाँ पे स्नान करते हैं, इसलिए प्रशासन ने वहाँ पे लोगों के जाने पे रोक लगा दी है कि पता नहीं कब क्या हो जाए। तो जैसे ही इसको लेकर कोई अपडेट मिलेगा कि ये विस्फोट क्यों हुआ आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक्स। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।